हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर एक शहर की जानिब हम निकले, जिसे शेख बिरको कहा जाता है। जानते हैं इस शहर के बारे में क्या खास चीजें हैं इस शहर की। सफर काफी अच्छा रहा और उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगे। शेख बिरको की पहली खास चीज यहाँ की शुगर मिल है, जिसे फारान शुगर मिल कहा जाता है। शेख बिरको को 4 शहरों के रोड कनेक्ट होते हैं, जिनमें टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, टंडो गुलाम अली और टंडो लियाल। शेख बिरको काफी अरसा गुजरने के बावजूद भी तरक्की नहीं कर सका। शहर के बीच में एक दरगाह मौजूद है, जिस नाम से इस शहर को जाना जाता है वो इस बुजुर्ग की वजह से जाना जाता है। चले आइए, चलते हैं आगे। अल्लाह के वलियों में ये वली भी शुमार होते हैं। इसे आचार्य भी कहा जाता है और तारीखी किताब में इसे बिरको के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसकी तामीराती का जो काम है वो नॉन मुस्लिम्स ने करवाया था। आजादी के बाद जो इस दरगाह की खिदमत गुजार हैं वो शेख जात से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ आने वाले जाहिर की शेख कम्युनिटी बहुत अच्छी खिदमत करती है। आइए दरगाह देखते हैं। दरगाह का काफी अच्छा ख्याल रखा गया है। जो कारीगरी का काम है मुल्तान के कारीगरों ने किया था। ये खूबसूरत मस्जिद है, यह नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त। दरगाह और इसके अतराफ में जो चीजें हैं बहुत खूबसूरत बनाई गई हैं। यहाँ
आकर दिल को एक अलग ही किस्म का सुकून मिलता है। हम अब्बास अली शेख के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस शहर की मज़ीद चीज़ें दिखाई और शहर की गली गली हमें घुमवाई और शहर के माहौल के बारे में बताया। उनका कहना था कि यहाँ के लोग पुरसकून और खुशहाल हैं। यह शेख बिल्कुल की खूबसूरत जामे मस्जिद है, चलिए देखते हैं। शहर के बाहर एक और बुजुर्ग दफन है जिन्हें चंड मुराद के नाम से जाना जाता है। हमने उनके दरबार पे भी हाजिरी दी। मालूम करने पर पता चला कि इस शहर में और भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनमें एक दायम फकीर के नाम से जाने जाते हैं। अब हम इस दरगाह पे पहुंच चुके हैं शेख बिरक बुजुर्गों में से एक और दरगाह पे। अब हम मिलेंगे अलीज़ा भाई से। अलीज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? तब सही है, तैयार हो? अब हमें बताएंगे अलीज़ा भाई इस दरगाह के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, तो दोस्तों मैं जिस दरगाह पे हम खड़े हैं उस दरगाह का नाम हज़रत दायम दरवेश दयो है। दयो मतलब कि इनका मनसब फ़कीर है और जो कास्ट है जैसे हम जात कहते हैं वो दयो है। सिंधी में दयो बोलते हैं और पंजाबी में दाहा बोलते हैं। इसके एतराब में चारों तरफ मुकाम है जहाँ पे यहाँ के मुकामी लोग दफन हैं। बाकी आप आगे देखें। दरगाह के अंदर जाएंगे, फतिया करनी पड़ेंगे और अब बाद में जाएंगे अगले बुजुर्ग की तरफ। के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं और ये यहाँ के माने जाने वाले बुजुर्ग हैं।
रजा भाई आपका शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपने दरगाह विजिट कराई हमें। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, आप आए हैं तो चाय पी के जाए। नहीं भाई नहीं 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 अब पहली बार आए हैं तो चाय। चाय के बाद हमने रुख किया कुछ और चीज़ें देखने के लिए। चल भाई बेटा भी। जैसे ही हमें पता चला मकान शरीफ तो हम निकल पड़े। मकान शरीफ चंडुलिया रोड पर वाके है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमें एक दरगाह नज़र आई। जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। वहाँ हम मिले मोहसिन से। अब हम एक नई दरगाह पे मौजूद हैं। अब हमें मोहसिन भाई बताएंगे इस दरगाह के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम जिस दरगाह के बारे में बात कर रहे हैं वो है आला वलियों में से शुमार रखते हैं और उनका नाम है हजरत अब्दुल हमीद। अब हम आपको उनकी कब्र मुबारक दिखाते हैं। मकान शरीफ को दरगाह के नाम से बुलाया जाता है मगर उनकी मज़ार नहीं है। बनाई गई मस्जिद काफ़ी खूबसूरत और अपने दौर की बेहतरीन कारीगरों के हाथों से बनी हुई है। उसके बाद हमने फातिहा पढ़ी। अब हम पहले फातिहा का नहीं करेंगे। मज़ार के अतराफ में जो चीज़ें थी काफ़ी खूबसूरत बनाई गई थी। फातिहा के बाद मोहसिन ने कहा कि दरगाह के कुछ और खिदमत गुजार हैं जिनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। दरगाह हमने घूम लिए, अभी हमें मोहसिन भाई किसी और से मिलवाएंगे जो दरगाह के बारे में ज़्यादा बताएंगे। अभी हम एक भाई से मिले हैं जो हमें भाई लंगर खाना दिखाएंगे और इसके अतराफ में जो चीज़ें उसके बारे में बताएंगे घुमाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन लातवाडो,
आकर इंचार्ज दरगाह मकान शरीफ जो साईं आरन जो ते नगर पचाइनो आयो हलो तवा के दिखा जे मामद उर्स ने हमें दरगाह के अदराब में जो चीज़ें थी जैसे कि रिहाइशगाह और जहां पर मेहमानों के लिए लंगर तैयार किया जाता है और खिदमत की जाती है जैसे कि बावर्ची खाना, स्टोर रूम्स, आराम गाहें बावर्ची खाना काफ़ी बेहतरीन तरीके से बना हुआ था ये बावर्ची खाना है या लंगर पकाया जाता है और ओ वाओ ये लस्सी जिसे मैं छोड़ूंगा नहीं ओ सुना साईं लस्सी तो प्यारी है ना हाजिर हाजिर लस्सी जाऊं तुम्हारा दरगाह के खिदमत गुजार काफ़ी बेहतरीन तबीयत के मालिक थे जिन्होंने हमें हर एक चीज़ दिखाई दरगाह के अतराब में जो चीज़ें थी काफ़ी सादे नमूने से बनाई गई थी हर साल ग्यारहवीं शरीफ पर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं दरगाह के खिदमत गुजार और इमाम साहब ने हमारी अच्छी खिदमत की और हमें ख़ास चीज़ यानी कि लस्सी पेश की लस्सी यहाँ की बहुत फेमस होती है और ये साईं मामन शाह के दौर से चलती आ रही है लस्सी जब भी यहाँ ज्यारत करने आओगे आपको लस्सी और दाल रोटी मिलेगी मिलेगी यहाँ की फेमस है ये खिदमत गुजारों ने वहाँ का बड़ा लंगर खाना जहाँ पर लंगर तैयार किया जाता है और बांटा जाता है वो दिखाया कब्र मुबारक के अतराब में कब्रिस्तान है जहां मकामी लोग दफन होते हैं ये था यहां का अहवाल उसके बाद हम मोहसिन के साथ उनके गांव निकल पड़े क्योंकि वो हमें कुछ नई चीज़ें दिखाना जा रहे थे
खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। मैं आया हूँ यहाँ केला के लोगों से मिलने के लिए, आए मिलते हैं। ओ भाई करीब क्यों है, पीछे हट। इस व्लॉग के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, यहाँ के लोग, उनकी मोहब्बत ने मेरा दिल जीत लिया। यहाँ के ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते। और एक बात, खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती, इनकी मुस्कान ही आपको बता देती है। बेरोजगारी की वजह से ज्यादातर बच्चे मजदूर बन जाते। यहाँ का ज्यादातर तबका मजदूरी से ताल्लुक रखता है। हमें ना रंग, ना रूप, ना जात पर एक दूसरे को तरजीह देनी चाहिए, बल्कि हर हाल में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। शेख बुरकियों पर बहुत सारे अल्लाह के वलियों का साया है। हमने कोशिश की हर मंजर आपको बेहतरीन तरीके से दिखाएं। ने रुक किया एक और जगह की तरफ जहाँ हमारी मुलाकात हुई। जैसे कि आपने शेख बुरकियों के दूसरे मनाज़िर देखे, उनमें से ये जगह भी आ जाती है। ओ भाई शुरू कर। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं उसे कहते हैं आगे हम आपको दरगाह दिखाते हैं। अतराफ में कब्रिस्तान है, जहां हर दरगाह की तरह यहां पर भी इलाकाई लोग दफन हैं। दरगाह की देखभाल करने वाले तहीम कन्नड़ से ताल्लुक रखते हैं। दरगाह का जो काम है वो नामुकम्मल है, उम्मीद करते हैं कि ये मुकम्मल हो जाएगा। हजरत शाह इनायत कलंदरी गादी से ताल्लुक रखते हैं और हर साल शोबान के महीने में इनका उस मुबारक बड़ी अकीदत मंदी और आजिज से मनाया जाता है। और ये था शेख बुरकियों के मनाजिर में एक और मनाजिर। उम्मीद तो आपको बहुत पसंद आया होगा।